अब मैं आपसे मांग चाहते हुए कि मैं हजरत साहब के साथ शाम दरमियान और आपके दरमियान ज्यादा देर तक खाए न रहूं, बहावलपुर के गयूर मुसलमानों, ये जो 7 सितंबर को फैसला हुआ था, ये हम पर कोई नवाजिश नहीं की गई। आप लोग इसके गवाह हैं कि आपने अपने इशार से, अपनी कुर्बानी से, अपनी जवां मर्दी से और अपनी ईमानी ताकत से हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि उसने 7 सितंबर को मर्दियों के खिलाफ फैसला किया। क्यों भाई, मैं ठीक कहता हूं जी? कोई कशकोल गदाई लेकर हम नहीं गए थे कि जिसके अंदर यह फैसला सैनाद के तौर पर डाला गया हो। आपको मालूम है कि 32 शहीदों का नजराना हमने, 32 शहीदों के खून का नजराना हमने इस तहरीक को दिया और 2000 उलमा, फुकरा, तलबा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान जख्मी हुए, जेलों में गए और उन्होंने तरह तरह की तकलीफें उठाई। उलमा को थाने में बुला के निंदा करके मारा गया। क्यों भाई, है याद? तो हमने कुर्बानी करके, इशार करके और ईमानी कुवत का मुजाहरा करके इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में एक जंग लड़ी, एक जिहाद किया और उस जिहाद के और उस कुर्बानी के और उस जिद्दोजहद के नतीजे के अंदर यह फैसला हुआ था कि 7 सितंबर का फैसला हुआ कि मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। क्योंकि मैं ठीक कहता हूं, साथ साथ मेरी तारीफ करते जाओ ताकि ये हुकूमत को मालूम हो कि बहावलपुर के मुसलमानों का भी यही ख्याल है। क्यों भाई, ठीक है? अब इसके बाद जहां भुट्टो साहब तशरीफ ले जाते हैं वहां मुनादी होती है। उनकी बेशुमार क्वालिफिकेशनें हैं, उनके बेशुमार खताबात हैं। वो ताशकंद से उनकी कहानी शुरू होती है और खुदा जाने कितनी डिग्रियां उनकी हैं। खुदा गरी के रहमत करे हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को, वो अंग्रेजी खानों पर तंज करते हुए उनकी डिग्रियां गिनते थे, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड पर खत्म किया करते थे। तो ये तो जेड से शुरू होते हैं। वो जनाब जहां तशरीफ ले जाते हैं वहां मुरादी के अंदर सबसे पहली वो खिताब उनको दिया जाता है, मुहाफिज खत्म नबूवत। आपके यहां भी तशरीफ लाए हैं या नहीं जी? आए आए आया। ओ भाई, उसका छोड़ो नाम, वो भी मैंने बात सुनी है। उसका एक लतीफा आपको सुनाता हूं। वो ये हजरत मियां मीर साहब लाहौर वाले रहमतुल्लाह अलैह, सबका रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्गों का नाम आए तो उन पर रहमत भेजा कर। ये सर्दी का मौसम था और रात को कहीं कपड़ों के अंदर कोई चीज ऐसी थी जिसने जिस्म को तकलीफ दुख पहुंचाया, तो कयास किया कि शायद कोई मेरी गोदड़ी के अंदर जूं पड़ गई है, सुबह होगी तो इसका इलाज करें। तो सुबह हुई, सर्दी का मौसम था। दरवेश को कहा कि यार ले जा इसको बाहर जाके आज धूप में बैठ के देख
कि इसके अंदर कोई जूं तो नहीं, रात को मेरे जरा जिस्म पर खराश सी होती रही है, सोजिश होती रही है। वो जूं देख रहा था तो इतने में बादशाह सलामत हजरत मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारत के लिए तशरीफ ले आए। आप हजरत अंदर थे, दरवेश बाहर था, और जैसे वो बादशाह सलामत आया, उसके साथ उसके बुजरा, उसके सिपा सालार, उसके नकी, उसके हाजिर, उसके वगैरह वगैरह जी। अब इस आप तो भागलपुर के लोग हैं ना, बात समझ रहे हैं मेरी भाई, समझ रहे हैं ना, वगैरह वगैरह से बात समझ रहे हैं ना, यार कुछ नहीं समझ रहे मेरा ख्याल। तो वो वगैरह वगैरह साथ थे, यहां भी वगैरह वगैरह ही साथ आए थे ना, उनकी बात कर रहा हूं। तो वो जनाब अली वो आ गए, वो ताले बिल्म बेचारा भाग के अंदर आया कि हजरत साहब, हजरत साहब, नजर क्या है? अरे वो बादशाह सलामत आ गए हैं। उसने क्या पंजाबी में क्या सौरी दिया पुत्रिया, मैं समझा मेरी गोदरी में से जू मिल गई है तुझे जी। ऐ जफर कैसे फकीरी सल्तनत क्या माल है, और बादशाह आते हैं पाप होते गदा के रास्ते। मैंने सुना है कि बड़ा शिकवा दिया गया है कि हजरत शास्त्री की खिदमत के अंदर किसी वगैरह वगैरह को सिर्फ बार यानी नसीब नहीं हुआ। ये ऐसे ही एक वगैरह वगैरह एक बादशाह साहब थे, वो एक फकीर की खिदमत में गए। सर्दी का मौसम था, दरवेश को सर्दी लगी हुई थी। जाकर सलाम किया, उनका वालेकुम सलाम। मैं कहा हजूर वो कोई खिदमत? उन्होंने कहा बस खिदमत इतनी है कि आगे से आज मुझे धूप लग रहे। इन अल्लाह वालों के मकाम को ये अगारे वगैरह क्या जानते। बारह आने के दरमियान में बात आ गई। तो मेरा एतराज ये है कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जहां जाते हैं उनके नाम की मलाजी के साथ ये बात कही जाती है कि मुहाफिज़े खत्म नबूवत। अव्वल तो ये तरकीब ही गलत है, मुहाफिज़े खत्म नबूवत कोई हो ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह की जात के। लेकिन अगर मुहाफिज़े खत्म नबूवत कहलाने का शौक है और उनका यह दावा दुरुस्त है कि मैंने 14 जून की तकरीर में यह कह दिया था कि मैं इस मसले को कौमी असेंबली में पेश करूंगा और कौमी असेंबली इस पर गौर करके इसका फैसला करेगी, मैं खुद हीरो नहीं बनना चाहता बल्कि कौमी असेंबली से इसका फैसला कराना चाहता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं या अभी भी नींद गालिब है भाई? मेरी बात समझ रहे हो? ये बात मेरी अच्छी तरह समझो, इसलिए कि दजल की और फरेब की और शतरंज के मोहरों की चालें चली जा रही हैं। हमारी फतह को वो फतह जो तुमने मुसलमानों के तुम्हारे लोगों के खून से और तुम्हारे कुर्बानी से तुम्हारे जेलों में जाने से और तुम्हारे हमारे ये रक्त जिगर और हमारे बच्चों की कुर्बानियों से परवा और वकला की कुर्बानियों से उलमा की कुर्बानियों से हमने हासिल की है। कोशिश की जा रही है कि वो हमारी फतह जो है वो शिकस्त में बदल जाए। लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई दुनिया की ताकत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत के मसले में हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये हो सकता है कि मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी और प्रोफेसर गफूर सियासत के मसले में तुमसे शिकस्त खा जाए, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं करता, मैं इसकी कोई जमानत नहीं देता, लेकिन मैं इतनी बात सरकार मदीना के भरोसे पर कहता हूं कि मोहम्मद मुस्तफा की नामूस के मसले में मुसलमान कभी भी लड़ाइयों से शिकस्त नहीं खाएंगे। अल्लाह
तो जनाब अली दो थीसिस हैं, दो थ्योरियां हैं और दो किस्म के बयानात हैं। एक बयान उनका है जिनको मुहाफिज खत्म नबूवत बनने का शौक है, वो ये कहते हैं कि ये खामखा उलझाव पैदा किया जा रहा है, मसला तो हमने हल किया है और अपने 14 जून के वादे के मुताबिक हल किया है, और हम ये कहते हैं कि नहीं, तुमने हल नहीं किया और तुमने 14 जून को भी हमें पुरखाने की सूरत की थी, ये कहा था कि कौमी असेंबली में एक करारदाद पेश की जाएगी। जो भी याद है, बिल और करारदाद के फर्क को समझते हो ना, हमारा मुतालबा ये था कि कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया जाए और भुट्टो साहब ने 14 जून की तकरीर में ये कहा था कि एक करारदाद पेश की जाएगी, हालांकि कौमी असेंबली की करारदाद की कोई पोजीशन नहीं थी। हम ये कहते थे कि बिल बनाया जाए और कानून बनाया जाए, ठीक है जी। तो फिर वो ये कहते हैं कि हमने अपने वादे के मुताबिक वहां छान फटक कराई और छान फटक कराने के बाद 7 सितंबर को मसला हल कर दिया, और उनके एक वजीर बेतदबीर जिनका नाम हनीफ रामे है, उन्होंने जब हजरत बिनौरी साहब अपनी शराफत और अपनी बुजुर्गी और अपने मद और अपनी आली जर्फी की वजह से इस्लामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर बैठ के खत्म नबूवत के तमाम खादिमों को, तमाम मुजाहिदीन को सलाम पेश कर रहे थे, खराजी अकीदत पेश कर रहे थे, वो उलमा जिन्होंने इब्तदाई फितने से इस फितने का मुकाबला किया उनको सलाम, जिन्होंने सन 53 के अंदर शहादतें पेश की उनको सलाम, और वो मजलिस अमल मौलाना अबुल हसनात की, मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद अजनबी की और मौलाना हाफिज कफायत हुसैन की, और वो मजलिस अमल जो सन 53 की थी उसको सलाम, और सन 74 के अंदर तमाम मुसलमानों को सलाम जिन्होंने अपने जान से, अपने माल से और अपनी हर एक दिल में दाने कुर्बानी से ये मसला हल कराया है, उनको सलाम। और आखिर में हजरत ने आली जर्फी का सबूत देते हुए अपने बयान में ये कहा कि मैं आखिर में हुकूमती पार्टी को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि वो भी बिल आखिर इस फैसले के अंदर शरीक हो गई। क्यों भी ठीक है, हम ये कह रहे थे, और उनका एक वजीर बेतदबीर जो था वो ये बयान दे रहा था कि पीपल पार्टी ने अपने वादे पूरे कर दिए, भुट्टो साहब ने ये मसला हल कर दिया, और अब वो मौलवी जो कहा करते थे कि भुट्टो साहब ये मसला हल नहीं करेंगे, अब वो जलील हो गए और अब सोशलिज्म के लिए राह जो है वो हमवार हो गई। मंचे में सरायन व तंबूरा मंचे में सरायन, हम क्या कह रहे थे, हम किस आली जर्फी का और किस बुलंद ख्याली का, बुलंद नजरी का, बालग नजरी का सबूत दे रहे थे, हमारे सदर मोहतरम और उनका एक तंदूरा जो है वो क्या सुर निकाल रहा था। तो अल्लाह के गिरामी कदर, ये उनका वर्षन है, ये उनका कौल है, ये उनका थीरूस है, ये उनका मकाला है, ये उनका बयान है, और हमारा ये बयान है कि तुम मिर्जाइयों के मुहाफिज थे, मिर्जाई कलीदी असामियों में, सिविल में, फौजों में तुमने बिठाए हुए थे, वो तुम्हारे मुशीर थे, वो तुम्हारे दोस्त थे, वो तुम्हें इलेक्शन के अंदर कामयाब कराने वाले थे, और तुम उनका तहफुज कर रहे थे, और तुम उनके तहफुज के अंदर सड़कों पर, बाजारों पर तालिब इल्मों को, उलमा को और मुसलमानों को लाठियां मार रहे थे, थानों में बुला बुला के नंगों नंगा करके उनको मार कर रहे थे, मार पीट रहे थे और मुसलमानों को जेलों के अंदर डाल रहे थे। और सन 1900 वो 6 सितंबर सन 1974 ये 7 सितंबर से एक दिन पहले तक सारे मुल्क के अंदर तुमने फौज भेज दी थी, सिक्योरिटी फोर्स भेज दी थी,
क्यों भी भागलपुर बोलो आ गई थी, सारे मुल्क में आ गई थी, बिहार तक आ गई थी, तुमने सारे मुल्क में फोर्सेज भेज दी थी, तुमने उनको अहकामात जो दिए थे वो भी हमसे बख्शी गई, वो भी हमें मालूम है। लेकिन वो एक रात थी 6 तारीख की, भागलपुर के लोगों तुम्हारा जोश ईमानी भी बड़ी बड़ा बुलंद है, काबिल मुबारकबाद है, लेकिन रावलपिंडी का शहर था, हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खां की मस्जिद थी और हजरत की सदारत में जलसा हो रहा था और तमाम मुख्तलिफ मकासिद के उलमा मौजूद थे, देवबंदी थे, बरेलवी थे, शिया थे और हदीस थे और एक बड़ी पावर का ऊपर बल्ब लगा हुआ था स्टेज के और हजरत का नूरानी चेहरा शमे महफिल बना हुआ था। उस इज्तमा के अंदर कम अज कम 2 लाख इंसान शरीक थे, मौलाना की मस्जिद भरी हुई थी, इर्द गिर्द के मकान भरे हुए थे, इर्द गिर्द के मकानों की छतें भरी हुई थी और नीचे राजा बाजार की सारी सड़कें भरी हुई थी। 2 लाख का इज्तमा था और मेरा ईमान कहता है कि उस मजमे की कैफियत ये थी कि अगर सुबह को फैसला खिलाफ होता तो 50,000 कम अज कम 50,000 मुसलमान रावलपिंडी की सड़कों पर मोहम्मद मुस्तफा के नामूस पर अपनी जानें निछावर कर लेते। ये सिर्फ रावलपिंडी की बात करता हूं, भागलपुर में क्या होता, लाहौर में क्या होता, कराची में क्या होता, हैदराबाद में क्या होता, चक्कर में क्या होता, लालपुर में क्या होता, चकोटे में क्या होता, ये अलहदा दास्तान है। ये ठीक है कि तुम नाज़िमुद्दीन की तरह और गुलाम मोहम्मद की तरह और सिकंदर मिर्जा की तरह गोली चलाते, ये हमारे रामे साहब, हमारे अजीज रामे बखुरदार रामे साहब फरमाया करते हैं कि मुझे ये मशवरा दिया गया था कि मैं गोली चलाऊं, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई। मैं रामे साहब से कहता हूं कि तुमने गोली न चलाकर हम पर कोई एहसान नहीं किया, अपने ऊपर एहसान किया है। तुम गोली चलाते, हम खुदा के फजल व करम से वो गोलियां अपने सीने पर खाकर जन्नत के अंदर जाते, खुदा की रहमत के मुस्तहिक होते और उसके बाद जो खुदा की फिटकार तुम पर पड़ती, तुम्हारा हश्र और तुम्हारा अंजाम जो है वो तारीख इबरत का वर्क होता। नारे तकबीर, आज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, आज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूं कि ये 2 बयान हैं, वो कहते हैं कि हमने प्रोग्राम के मुताबिक अपने ऐलान के मुताबिक कौमी असेंबली से मसला हल कराया और हम ये कहते हैं कि 6 तारीख तक तुम्हारे अहकामात और तुम्हारा चाल और तुम्हारा ढाल और तुम्हारा रंग ढंग जो था वो मुखालिफाना था और ये 7 तारीख को 6 तारीख की दरमियानी रात को जो तुम्हें इत्तलात आई, 6 तारीख को ही गालिबन हजरत दामद बरकात हूं पिशावर के इज्तिमा 5 और 6 बजे ये पिशावर तशरीफ ले हुए थे, वहां हजारों कबायली उनका इज्तिमा था और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अगर ये परसों तक मसला न माना गया तो तमाम कबायलिस्तान, तमाम कबायली मुसलमान जो है इस हुकूमत के खिलाफ बगावत करें। ये वो हालात थे जिसकी वजह से आपने ये मसला 7 तारीख की रात को 12 बजे मान लिया। 6 के दिन के मुजाकरात नाकाम थे, लेकिन 7 और 7 की दरमियान रात के 12 बजे जाकर फैसला हुआ। अब मैं जनाब भुट्टो साहब की खिदमत में एक बात करता हूं कि अगर तुम ये कहते हो कि मसला किसी दबाव के तहत हल नहीं हुआ, हमने अपनी खुशी से और अपने प्रोग्राम के मुताबिक हल किया है, तो बताओ कि 7 सितंबर को तरमीम तो कर दी गई, लेकिन उस तरमीम के साथ साथ ये भी फैसला हुआ था कि मिर्जाइयों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता जो दावा नबूवत करे, वो और उसके मानने वाले दायरा इस्लाम से खारिज होंगे। और मिर्जाई लाहौरी हो या कादियानी हो
इनका अकलियतों के चार्ट के अंदर नाम दर्ज किया जाए, पहले हिंदू, फिर सिख, फिर पारसी, फिर अछूत, फिर और कौन सी भाई अकलियत है, ईसाई, और जनाब छठी अकलियत सबसे नीचे ही, एक दो तीन चार पांच छह, अल्लाह ने सूरों के बाद इनका नंबर जो है उसमें रख दिया। एक फैसला ये था। नंबर दो फैसला कि कलीदी असामियों से इनको निकाल दिया जाएगा। नंबर तीन फैसला कि इनकी फुरकान फोर्स और खुदाम रहमदिया जो नीम फौजी तंजीमें हैं, और मैं हुकूमत की इतला के लिए उनको बता देना चाहता हूं कि जितने फौजी मिर्जाई फौजी रिटायर होते हैं वो, और जितने मुजाहिद फोर्स के अंदर तरबियत पाते हैं वो, बाकायदा फौजी और बाकायदा मुजाहिद फोर्स के तरबियत याफ्ता ये मिर्जाइयों की फुरकान फोर्स है। और ये फुरकान बटालियन से बचे हुए फौजी जितने 3000 थे वो, ये सब फुरकान फोर्स है। अगर हुकूमत कहे कि मुझे इनकी छावनी दिखाओ कि ये कहां है, तो कहीं नहीं लिखा हुआ होगा कि छावनी फुरकान फोर्स रबवा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये हजारों हजारों मुसल्ला अफराद मुल्क में मौजूद हैं, इनकी तंजीम है और इनके रबते हैं, इनके पास असलिया है, और ये किसी खतरनाक वक्त भी मुल्क के अंदर कोई मुसीबत और कोई परेशानी का बायस बन सकते। दो बातें हो गई, तीन बातें हो गई। चौथी बात ये फैसला हुआ था कि इनकी जमीनें और इनके औका, सिंध के अंदर मिर्जाइयों की 36,000 जरी जमीन है, 36,000 एकड़ जरी जमीन है, महमूदाबाद और नासराबाद स्टेट्स हैं, इनकी जागीरें हैं, वहां ये सारी जमीनें वापस ली जाएंगी और वापस लेकर इनको गैर मुस्लिम औकाफ में शरीक किया जाएगा, गैर मुस्लिम औकाफ उसके सपुर्द कर दिया जाएगा। जैसे आपके हिंदुओं के गुरुद्वारे और मंदिर और उनके मुल्क जायदादें और हिंदुओं की वक्त जायदादें उनकी समाधियां और वगैरह वगैरह ये गैर मुस्लिम औकाफ के कब्जे में है, इसी तरह मरजियों के ये जायदादें जो है ये भी उनके हवाले कर दी जाएंगी। ये फैसला था। और एक फैसला था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की जाएगी और वोट के अंदर, पासपोर्ट के अंदर, और जनाब अली स्कूल के सर्टिफिकेट के अंदर और शनाख्ती कार्ड के अंदर इनका नाम गैर मुस्लिम दर्ज किया जाएगा ताकि ये धोखा न दे सके। ये फैसले थे। और एक फैसला ये था कि तमाम मुकदमे उन पर नजरसानी की जाएगी और उसके अंदर नरमी का सलूक किया जाएगा और मुकदमे जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। ये फैसले हुए थे। अब मैं मुत्र साहब से पूछता हूं कि अगर आपकी थ्यूरी ये थी और आपका बयान ये था है कि हमने 14 जून के तकरीर के और वादे की रोशनी में मसला असेंबली में पेश किया और असेंबली के फैसले के बाद हमने मरजियों को अकलियत करार दिया और उसका क्रेडिट हमको जाता है, तो मैं पूछता हूं कि उनको गैर मुस्लिम अकलियत की तरमीम करने के बाद बाकी मुतालबात जो है वो अब तक पूरे क्यों नहीं किए गए। बात खुली खुली है कि उस वक्त भी तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी और आज भी तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। उस वक्त भी मुसलमानों ने अपने इतिहास से और अपनी कुर्बानी से वो मुतालबा बनवाया था और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आइंदा चलकर भी मुसलमानों को इत्तेफाक से और इतिहास से और कुर्बानी से ही बाकी मसाइल जो हैं वो भी तय करवाने पड़ेंगे। क्यों भाई? तय करवाने पड़ेंगे। करोगे इंशाअल्लाह ताला? ये शिया सुन्नी का चक्कर चलने दोगे? नहीं, हरगिज नहीं। मैं आपकी इत्तला के लिए मैं आज लाहौर वहां मुल्तान भी कहकर आया हूं, आपको भी बता देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और कादियानी
जो हुकूमत के अंदर है वो मिर्जाइयों के लाखों रुपया से मुल्क के अंदर शिया सुन्नी और देवबंदी बरेलवी फसाद कराना चाहते हैं। छोटे छोटे फसाद हुए हैं, लाहौर के अंदर हुए हैं, फायरिंग हुई है बाकायदा, कुछ लोग मारे गए हैं। वो चकवाल के अंदर मौलाना मदर हुसैन को झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया है। आज एक छोटा सा हादसा मुल्तान के अंदर भी हुआ है। मैं दावे से कहता हूं कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। मेरा ईमान है कि शिया के रहनुमा और सुन्नियों के रहनुमा, देवबंदियों के रहनुमा और बरेलवियों के रहनुमा, अहले हदीसों के रहनुमा आपस में नहीं लड़ना चाहते। ये किराए के लोग खरीद के रबवे के पैसे से एजेंट पैदा करके मुसलमानों के इत्तेफाक और इत्तेहाद की रखना अंदाजी की जा रही है, उनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि मजलिस अमल का इतिहास खत्म हो जाए और जो हमें फतह हुई है उसको शिकस्त में तब्दील किया जाए। क्यों भाई, बाकी मुतालबात पूरे होने चाहिए। ये जो रेगुलेशन है ये आपको मंजूर है कि कलीदी असामियों से इनको हटाया जाए? एक बात बड़ी कड़वी है लेकिन भुट्टो साहब मैं माफी चाहते हुए कहता हूं, शेर पाओ का आपको बड़ा सदमा है, हमें भी बड़ा सदमा है। किसी इंसान को इस तरह जुल्म से शहीद नहीं होना चाहिए, हलाक नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। लेकिन हमें डॉक्टर बदीर अहमद के शहादत का भी बड़ा सदमा है, हमें ख्वाजा रफीक के खाको खून में तड़पने का भी बड़ा सदमा है, हमें मौलाना शमसुद्दीन जैसे मुजाहिद फरजंद का भी बड़ा सदमा है। यह सदमा आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये शेर पाओ की हलाकत के बाद और बम से हादसे के वफात के बाद आपने वहां के मिर्जाई आईजी को बदला, ये पहले क्यों ना बदल दिया? अगर तहरीके खत्मे नबूवत के फैसले के मुत्तसिल तमाम मिर्जाई करीबी असामियों से निकाल दिए जाते तो मेरा यकीन है, मेरा दिल कहता है कि शेर पाओ का हादसा न होता। और इसका जिंदा सबूत यह है कि शेर पाओ के कत्ल के बाद तुमने जाकर वहां से आईजी को निकाला, कलीदी असामी पर बैठा हुआ था उसको निकाला और एक शख्सी को निकाला। हम ये कहते हैं कि खुदा से डरो और इनको कलीदी असामियों से निकाल दो। मुफ्ती महमूद, मौलाना शाहमन दुरानी, प्रोफेसर गफूर और मौलाना मौजूदी और बाकी जितनी जमातें हैं मुसलमानों की, उनमें कोई जमात ऐसी नहीं है जो ये अकीदा रखती हो कि तुम्हें बम से हलाक करके हटा दिया जाए। वो तुम्हारे मुखालिफ जरूर है लेकिन वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए और तुम्हें शिकस्त दी जाए और तुम्हें पीछे से हटा दिया जाए। लेकिन मिर्जाई ये अकीदा रखते हैं कि तुम्हें गोली मारी जाए, तुम्हें बम मारा जाए, तुम्हें कत्ल किया जाए ताकि तुमसे इस फैसले का इंतकाम लिया जाए। तो खुदा के लिए अगर शेर पाओ के कत्ल के बाद तुमने उसको निकाला तो पहले पहले क्यों ना निकाला? और अब हम कहते हैं कि जो बाकी कलीदी असामियों पर बैठे हैं उनको निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि शेर पाओ की तरह का धमाका कहीं आपके कदमों के अंदर किसी दिन ना हो जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन हमें खतरा है कि मिर्जाई ऐसा करने वाले हैं, मिर्जाइयों की ये सोच है, मिर्जाई जिस लाइन पर काम कर रहे हैं हम उनके स्पेशलिस्ट हैं। खुदा के फजल व करम से ये खत्मे नबूवत की जमात वाले जैसे कोई डॉक्टर टीबी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट की बीमारी का, दिल की बीमारी का स्पेशलिस्ट, हम मिर्जाइयों के स्पेशलिस्ट हैं। हम इनकी इमारतों से पढ़ के आपको बता रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं, मैं अखबार लाया हुआ हूं अलफजल के, हुकूमत का कोई नुमाइंदा मेरे पास देखना चाहे तो मैं बता दूंगा कि ये सन 74 29 मई के वाके से पहले क्या कह रहे थे कि गलबा इस्लाम आने वाला है,
अहमियत गालिब आने वाली है, झोलियों में फल गिरने वाला है, तुम्हें जिम्मेदारी सौंपे जाने वाली है। ये कोई करना चाहते थे उस वक्त की हरकत, और आजकल फिर ये उसी तरह के इल्हाम छाप रहे हैं कि तुम्हें दुनिया की क्यादत संभाली जाएगी, तुम तैयारी कर लो, तुम तरबियत कर लो, एक वक्त आने वाला है कि गलबा इस्लाम तुम्हें नसीब होगा, उस वक्त बड़े मुरबियों की जरूरत होगी और फिर बहुत सारे लाखों और हजारों आदमी हमें चाहिए जो उस वक्त दुनिया को संभाल सके और इख्तदार को संभाल सके। ये हवाले हमारे पास मौजूद है, तो हम उन हवालों की, इनकी इबारतों की और इनके अकबाल की रोशनी में ये कहते हैं कि जिस तरह शेरपाओं को खतरा था, इसी तरह तुम्हें भी खतरा लायक है। उसके मरने के बाद तुमने कलीदी सामी से मिर्जाई को हटाया, हम तुम कहते हैं कि तुम्हें अपने से कोई हादसा पेश आने से पहले इनको निकाल दो ताकि तुम्हारी जान महफूज हो। हजरात गिरामी कदर दूसरी करारदाद मुकदमों की है कि तहरीक के दौरान बेशुमार मुकदमे बनाए गए थे, क्योंकि बहावलपुर वाले तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमे थे, हैं अभी हैं। तो जनाब ये सिंध की हुकूमत ने वापस ले लिए, बाकी सूबाई ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر